पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, वरिष्ठ नेता, पूर्व मंत्री आदरणीय श्री शिवानंद तिवारी जी को आवे और अपने बातों से हम लोग को लाभान्वित करें। समारोह के अध्यक्ष जी, इस समारोह के उद्घाटनकर्ता राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लाल प्रसाद यादव जी, बिहार विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी, मंच पर उपस्थित तमाम सम्मानित नेतागण और साथियों, राष्ट्रीय जनता दल का 25वां वर्षगांठ मना रहे हैं, लेकिन लालू जी के राजनीतिक जीवन का ये 51वां वर्ष है। हमको याद है कि 1970 में पहली दफा पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ के इस महासचिव का चुनाव हुआ था और पहली कुर्सी राजनीति में लालू यादव को वही मिली थी। 51 बरस हो गया, 51 वर्षों से मतलब आधी सदी से ज्यादा हो गया लालू यादव सार्वजनिक जीवन में हैं। लालू यादव की उपलब्धि के बारे में हमको नहीं लगता है कि किसी को बताने की जरूरत है। हमको वो जमाना भी याद है जब मंडल कमीशन लागू हुआ था और मंडल कमीशन के विरोध में हमने करीब 40-45 लोगों ने आत्मदाह कर लिया था। आप कल्पना नहीं कर सकते, 100 से अधिक जगहों पर गोली चली थी। भारत सरकार के नौकरियों में मंडल कमीशन के नाम से मंडल कमीशन का जो अनुशंसा था उसको श्री वीपी सिंह ने लागू किया था और उस मंडल कमीशन के समर्थन में लालू यादव सड़कों पर निकले और क्या मजमा था। हमने हमको एक दिन भी ऐसा नहीं गुजरा जब उस अभियान में लालू यादव के साथ हम नहीं रहते थे। और हमने देखा जो परिवर्तन हुआ उस अभियान के तहत, मंडल जिसको सामाजिक न्याय का आंदोलन कहते हैं, सामाजिक न्याय के आंदोलन ने समाज को जिस प्रकार बदला वो तो अद्वितीय है, उसकी कल्पना नहीं की जा सकती। लालू जी का आज इंटरव्यू छपा है भास्कर अखबार में और उन्होंने एक मार्के की बात कही है। वो क्या है? वो कहते हैं कि सड़क बना देना, पुल पुलिया बना देना, स्कूल खोल देना, ये बहुत ही सहज है, बिल्कुल माने सामान्य काम है। ये हर सरकार का दायित्व है, सड़क बनाना, स्कूल खोलना, अस्पताल खोलना। लेकिन जो समाज की जड़ता है, समाज में जो गैर बराबरी है, समाज में जो सामंतवादी सिकंजा है, जकड़न है, उसको तोड़ करके जो जो दबाए हुए लोग हैं, जो वंचित लोग हैं, उनको मुक्त कराना, उनको आजादी दिलाना, सबसे बड़ा काम यह है। और वही काम जो है लालू यादव ने किया और इसीलिए आज उनका नाम लिया जाता है। लेकिन साथियों, याद रखिए, जो संघर्ष में उपलब्धि हासिल हुई वो उपलब्धि खतरे में है। आज ऐसी ताकत जो है देश पर शासन कर रही है, प्रदेश में शासन कर रही है, जिसको समता में यकीन नहीं है, जिसको सामाजिक न्याय और धर्म निरपेक्षता में यकीन नहीं है। आज क्या बात हो रही है? हिंदू राष्ट्र बनाने की बात हो रही है। हम भी हिंदू हैं, आप में से कई लोग हिंदू होंगे, लेकिन हिंदू समाज समता में, उसकी जो बनावट है समता में यकीन नहीं करती। हिंदू समाज मानता है कि कुछ लोग जन्म से ही श्रेष्ठ होते हैं और बाकी लोग जन्म से हीन होते हैं, और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जिनको आप छूत, जिनके छूने से छूत लग सकती है, उनको वो अस्पृश्य लोग हैं। इस तरह की बनावट है और इसको कायम रखते हुए हिंदूवाद का जो नारा है वो पिछड़ों के खिलाफ, दलितों के खिलाफ, ये बहुत ही खतरनाक किस्म की साजिश है जिसको हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं। बहुत लोग जिनको सामाजिक न्याय से बराबरी हासिल हुई, जिनको माने छाती तान करके चलना, सर उठा करके चलने का मौका मिला, आज वही लोग उन ताकतों के गोदी में खेल रहे हैं जो ताकतें, जो उपलब्धि है संघर्ष की, उसको मिटाना चाहते हैं। इसलिए साथियों, सावधान रहने की जरूरत है। दिल्ली से लेकर पटना तक यही सिलसिला जारी है। हमारे मित्र हैं नीतीश कुमार, लंबे समय तक हम लोगों ने साथ काम किया है। आज क्या हालत है नीतीश कुमार की? आज जिनके गोदी में खेल रहे हैं, नीतीश कुमार बहुत तेज आदमी हैं। आप याद कीजिए 2014 में जब मुकाबला कर रहे थे नरेंद्र मोदी के बारे से, क्या कहते थे?
नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व का जितना सुंदर विश्लेषण उस समय नीतीश कुमार ने किया था, इस आदमी का व्यक्तित्व जो है विभाजनकारी है, यह देश को एक साथ लेकर के नहीं चल सकता है। आज वही नीतीश कुमार जीहू झुरी कर रहे हैं। आज क्या हालत है उनकी सरकार का, मदन साहनी का बयान पढ़ लीजिए, रामप्रीत पासवान का बयान पढ़ लीजिए, जीतन राम मांझी ने भी कहा है कि अब सर हमारी बात नहीं सुनते हैं। आज इस तरह की सरकार चल रही है, लोकतंत्र खतरे में है। दिल्ली की सरकार से भी लोकतंत्र खतरे में है और पटना की सरकार से भी लोकतंत्र खतरे में है। आज अखबारों की आजादी नहीं है, विज्ञापन का जाल लगा करके नीतीश कुमार ने अखबारों का मुंह जो है बंद किया है। किसी कोई भी अखबार अगर तेज लिखता है, जिस अखबार में लालू यादव का इंटरव्यू छापा है उसको विज्ञापन नहीं मिल रहा है। कुछ दिन पहले पटना का एक छोटा अखबार था उसको भी विज्ञापन नहीं मिल रहा था। लोकतंत्र बिना मीडिया के स्वतंत्रता के, बिना अखबारों के स्वतंत्रता के लोकतंत्र नहीं चल सकता है। हमको याद है बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था, जो संविधान जब बन रहा था और संविधान में धारा 19 लिखा गया था जिसमें हमको बोलने की आजादी, अभिव्यक्ति की आजादी का अधिकार मिला है, उसमें प्रेस की आजादी का जिक्र नहीं था। कुछ लोगों ने कहा कि इसमें प्रेस की आजादी का जिक्र नहीं है। अम्बेडकर साहब ने कहा कि व्यक्ति की अभिव्यक्ति की आजादी, बोलने की आजादी, प्रेस की आजादी के बगैर तो उसकी कल्पना नहीं हो सकती है। आज लोकतंत्र खतरे में है, देख लीजिए किस ढंग की हालत है। हमको तो नीतीश कुमार पर हंसी आती है। हमको याद आता है बहादुर शाह जफर की कहानी। बहादुर शाह जफर मुगलिया संतुलन के अंतिम बादशाह थे, कहने के लिए वो हिंदुस्तान के बादशाह थे, लेकिन उनकी बादशाहत जो है लाल किले में सीमित थी। आज नीतीश कुमार मुख्यमंत्री है बिहार के, लेकिन उनका मुख्यमंत्री का शासन जो है वो एक अन्य मार्ग में सीमित है, एक अन्य मार्ग से बाहर उनका शासन नहीं चलता है। उनकी बात न उनके पदाधिकारी मान रहे हैं, न उनकी बात जो है उनके मंत्री मान रहे हैं। ये पहली दफा ऐसा हुआ है बिहार में। एक पत्रकार मित्र हमारे बता रहे थे, जानकार हैं कि मंत्री के घर में ड्राइंग रूम में बैठ करके डाक बोला गया कि इस पोस्ट पर कितना तुम दोगे, तो तुम कितना दोगे, जो ज्यादा डाक बोला उसकी पोस्टिंग हुई मंत्री के घर में उनके ड्राइंग रूम में। ये हालत है, तो बहादुर शाह जफर वाली हालत है नीतीश कुमार की। इसलिए साथियों, आज इस मौके पर जो हमारी उपलब्धि है, जिसको छीनने की कोशिश हो रही है, जिसको लूटने की कोशिश हो रही है, उसके बारे में सचेत होने की जरूरत है। और ये सही है, अब्दुल बारी सिद्दीकी ने जो कुछ कहा है उसका मैं समर्थन करता हूँ। संघर्ष से ही पार्टी बनती है, संघर्ष से ही नया विकल्प बनता है। और आज जो हालत है, भ्रष्टाचार का जो हालत है, महंगाई की जो हालत है और बेरोजगारी की जो हालत है, पिछला जो विधानसभा चुनाव हुआ, हम तेजस्वी को एक क्रेडिट देना चाहेंगे, पूरे देश में एकमात्र बिहारी ऐसा प्रदेश था और तेजस्वी एकमात्र ऐसे नेता थे जिन्होंने अपने एजेंडा पर बिहार विधानसभा का चुनाव करवाया। वो एजेंडा था बेरोजगारी। उस एजेंडे को पकड़ने की जरूरत है, महंगाई को पकड़ने की जरूरत है। आज कितनी हालत खराब है, आप पढ़ लीजिए, जो गरीब लोग हैं उनके थाली में भोजन घट गया है, उनके थाली में पोषण नहीं मिल रहा है। एक बेरोजगारी, ये कोरोना को लेकर के बुरी हालत, बाजार में मंदी, खरीदार नहीं है, लोगों के जेब में पैसा नहीं है। सरकार जो है 5 किलो अनाज देकर समझती है कि उसने समस्याओं का समाधान किया। अरे खाना बनाने में नमक लगता है, तेल लगता है, मसाला लगता है, सब्जी चाहिए, दाल चाहिए। आज क्या हालत है बाजार की, कोई गरीब आदमी अब खाली सर्वे करके अपने मोहल्ले में पूछ लीजिए कितने लोगों के थाली से दाल गायब हो गई है। इसलिए इस महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ हमको जो हमारा पुराना संकल्प है उसके आधार पर संघर्ष छेड़ने की जरूरत है। और संघर्ष से ही जो जमीन छीनने की हमारी कोशिश हो रही है उसको हम बचाएंगे, उसको और आगे बढ़ाएंगे। इसी के साथ लालू यादव